तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके 75% क्राइटेरिया को रिलैक्स करने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि रिलैक्सिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल अफेक्ट अदर स्टूडेंट्स हु हैव मेड द कट। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, उनकी कमेंट्री देखकर ना साफ ये हिंट दिख रहा था, मुझे नहीं पता आपको लोग शायद फॉल्स होप्स दे रहे होंगे, कि समहाउ उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, सिर्फ एक थोड़ा सा कूलिंग ऑफ टाइम ले रहे हैं आज तक का। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यार ड्रॉपर्स के लिए ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचा था कोई भी इंप्रूवमेंट फिल करने का। I would still say, don't lose hope, and हर एक बच्चे से यार definitely बोलूंगी कि इस वीडियो को चेकआउट करो, जहां पर आप अपनी जेई मेन के रैंक पर कौन कौन से कॉलेज में एंट्री ले सकते हो एज पर योर कैटेगरी एंड योर ब्रांच, ठीक है? तो जाके चेकआउट कीजिए। इनफैक्ट बाद बाद की रैंक पर भी आपको कई कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये आपका जोसा 22 के ऑफिशियल डेटा पे बेस्ड है। इसके अलावा अपने जेई मेन के ही स्कोर पर 3 more काउंसलिंग्स विच आर अदर देन जोसा पर भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए, जाकर चेक करो। ये सारी की सारी चीजें मैं आपकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। एंड यस, फॉर द रैंक वर्सेस कॉलेज वीडियो देयर इज एन एक्सेल फाइल, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ व्हाट डू यू फील अबाउट इट। बच्चों, सी यू सून।